हेलो स्टूडेंट्स कुमारी स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है महिला सुपरवाइजर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग केंद्र प्रायोजित योजना पर चर्चा करेंगे आज हम लोग बकायदा तीन योजनाओं पर चर्चा करेंगे पोषण अभियान पूरक पोषण आहार कार्यक्रम और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यह मेरा चौबीसवा वीडियो है तेईसवा चौबीसवा वीडियो है आप अगर नए जुड़े हैं तो आप मेरे प्ले में जा सकते हैं और प्ले में जो महिला सुपरवाइजर से संबंधित प्ले से भी आप देख सकते है तो चलिए मेन चीजों को मैं यहाँ पर हाईलाइट किया हूं, जिसको आपको देख के जाना है कि पोषण अभियान योजना दो के बाद पोषण अभियान दो तक को पोषण मुक्त भारत का प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए यह एक बहु मंत्री या अभिसरण मिशन है बोला जाए तो हमारा जो उद्देश्य पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि पोषण अभियान योजना 2021 कब तक इसका टारगेट क्या रखा गया था पोषण 2022 ये अपना पहला क्वेश्चन बन गया कि टारगेट इसका कितना 2022 तक को पोषण मुक्त तो भारत को बनाना है प्रमुख आंगनबाड़ी सेवाओं के उपयोग में सुधार और उच्चतम कुपोषण भार के साथ भारत के चिन्हित जिलों में स्टंटिंग को कम करने के लिए पोषण अभियान का उद्देश्य है स्टंटिंग मतलब होता है जो हाइट नहीं बढ़ती बच्चे लोगों का बच्चे लोगों का जो नाटक नहीं बढ़ती वो स्टंटिंग होता है स्टंटिंग को कम करने के लिए पोषण अभियान का उद्देश्य है कि हाइट बढ़े बच्चे लोगों का हाइट जो कम ना हो आंगनबाड़ी सेवा वितरण की गुणवत्ता इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं माताओं और बच्चों के लिए समग्र विकास और पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ द्वारा आयोजित व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में से चौंतीस दशमलव सात परसेंट आंकड़ा नोट करेंगे बच्चे स्टंटिंग अर्थात कद न बढ़ने की समस्या के सामना कर रहे हैं कि बच्चे लोगों का कद ही नहीं बढ़ता जिसको स्टंटिंग टिंग के नाम से जानते हैं वहीं इसी आयु वर्ग के 33.4% दशमलव चार परसेंट बच्चे अल्प वजन की समस्या से क्या हो रहे जूझ रहे हैं उनका वजन ही नहीं बढ़ रहा एक तो कद नहीं बढ़ रहा और दूसरा वजन नहीं बढ़ रहा है ये दोनों ही समस्या कुपोषण के कारण हमको हमारे देश में सामना करना पड़ती पड़ रही है और इसे हमको जो वो करना सामना दो तक पूरा निपट खत्म करना है यह उद्देश्य लेकर हम लोग इस योजना को चल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं पोषण अभियान तो पोषण अभियान बच्चों किशोरों गर्भवती महिलाओं और स्तन पान कराने वाली माताओं के लिए प्रौद्योगिकी एक लक्षित दृष्टिकोण अभिसरण द्वारा पोषण संबंधी परिणामों को सुधार करने के लिए भारत का प्रमुख कार्यक्रम है चारों दिशा सो करना है वह सब बच्चों को भी करना है किशोरों को भी करना है गर्भवती महिलाओं को करना स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी करना है सबके लिए पोषण इंपॉर्टेंट और तब जाके हम सुधार हो पाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय एमडब्ल्यू सी डी पहले वर्ष में 315 जिले, ये भी याद रखेंगे पहले वर्ष टारगेट है 315 जिलों में पूरे भारत में और पोषण अभियान लागू कर रहा है और दूसरे वर्ष में 235 जिलों में तीसरे वर्ष में शेष जिले जो शामिल होंगे उसको हम लोग शामिल करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017-18 से शुरू होने वाले तीन साल के बजट में नौ करोड़ हाईलाइट कर दिया और याद रखना इसके लिए जो बजट में जो प्रावधान किया गया नौ हजार छियालीस दशमलव एक सात करोड़ रुपए का राष्ट्रीय पोषण मिशन एन की स्थापना की मंजूरी दी है कुछ इम्पोर्टेंट कार्यक्रम का नाम राष्ट्रीय पोषण अभियान 2021 किसके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा किसके शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्च डेट याद 8 मार्च 2018 इसको याद करना 8 मार्च 2018 लाभार्थी महिलाओं महिलाओं एवं बच्चे और उद्देश्य भारत में कुपोषण को कम करना है कुपोषण को मुक्त करना है मुख्य विशेषता में देखें तो पोषण अभियान एक शीर्ष निकाय के रूप में मंत्रालय के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी पर्यवेक्षण लक्ष्य निर्धारण का मार्गदर्शन करेगा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना आई आधारित उपकरणों का उपयोग करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करना और आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को ऊंचाई का मापन शुरू करना और जन आंदोलन के माध्यम से जन भागीदारी को शामिल करते हुए पोषण संसाधनों केंद्रों की स्थापना करना इसका मेन उद्देश्य है पोषण अभियान लक्ष्य और कार्यान्वयन रणनीति की बात किया जाए तो कार्यान्वयन की रणनीति जमीनी स्तर पर गहन निगरानी और कन, आ, कन्वर्जेस एक्शन प्लान पर आधारित होगी पोषण अभियान 2017-18 19-20 तक तीन चरण में शुरू किया जाए कितने चरण तो तीन चरणों में शुरू किया जाएगा पोषण अभियान का लक्ष्य स्टार्टिंग मैंने कद को बढ़ाना जो कम वो है कम पोषण एनीमिया छोटे बच्चों महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच तीनों को कम कम करना माना जो एनि

एफ एच एस फोर से घटाकर 25 परसेंट दो तक करने का प्रयास किया गया जो अभी तक जो कद न बढ़ने की जो समस्या अड़तीस दशमलव चार परसेंट है ऐसे समझ लो कि अभी तक जो कद न बढ़ने के बच्चों में कद न बढ़ने की जो समस्या अड़तीस दशमलव चार परसेंट है उसको 2022 तक 25 परसेंट लेके आना है दिमाग में ये बैठ जाना है तो पोषण अभियान ऑफिशियल जो लॉन्च हुआ कहां से हुआ यह बहुत इंपॉर्टेंट आठ मार्च दो को राजस्थान के झुंझुनू यह कौन सा जिला का झुंझुनू ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया तो ये क्वेश्चन पूछता राजस्थान के हुआ जिला झुंझुनू यहां पर 8 मार्च 2018 ये बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा हमारा एक और चलना है पूरक पोषण आहार कार्यक्रम पूरक पोषण अगर ये आहार आहार से नहीं हो पा रहा जो आहार दिया जा रहा कुपोषित बच्चों को उससे भी कुपोषण दूर नहीं हो रहा तो एक्स्ट्रा दो उनको आहार एक्स्ट्रा देकर कुपोषण दूर करो उसी को बोलते हैं पूरक पोषण आहार कार्यक्रम समेकित बाल विकास परियोजना में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था करता है प्रदेश में एकीकृत बाल विकास सेवाएं आईसी एस अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाने वाली छह सेवाओं में से पूरक पोषण आहार एक महत्वपूर्ण सेवा है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से छह माह से तीन वर्ष आयु के बच्चों छह माह से तीन वर्ष के आयु जो घर में रहते हैं ना बच्चे छोटे छोटे बच्चे और तीन वर्ष से छह वर्ष के आयु के बच्चों जो आंगनबाड़ी में जाते हैं तीन वर्ष से छ वर्ष के आयु के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती मालाओं को पूरा माताओं को या महिलाओं को पूरा पोषण आहार प्रदान किया जाता है हितक्राहियों को वर्तमान में प्रदान किए जा रहे हैं पूरा पोषण का आहार का वितरण निम्न अनुसार है नाश्ता या गर्म पका हुआ भोजन आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले तीन से छह वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन एक सौ एक पांच ग्राम कितना मिलेगा सबको एक सौ पांच ग्राम पका हुआ पौष्टिक आहार के साथ साथ नाश्ता भी दिया जाता है नाश्ते में रेडी टू ईट फूड में पचहत्तर ग्राम उबला भीगा चना देखो चना में बहुत प्रोटीन होता है और देसी गुड़ गुड़ भी स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है पचास ग्राम भुना मूंगफली दाना जिसमें प्रोटीन है गुड़ अड़तीस ग्राम प्रतिदिन अलग 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 नाश्ता अनुसार में प्रदान किया जाएगा तीन से छह वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को जो बहुत ज्यादा कुपोषण है को उपरोक्ता अनुसार नाश्ता और गर्म पके हुए भोजन के साथ अतिरिक्त रूप से रेडी टू एट फूट पचासी ग्राम प्रदान किया जाएगा रेडी टू में से तीन के के आयु सामान्य बच्चों जो घर में रहते हैं एक तीन वर्ष के आयु के गंभीर कुपस्थित बच्चों को दो ग्राम तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को एक ग्राम रेडी टू इट फूड प्रदान प्रतिदिन के मान के टेक होम राशन के अंतर्गत साप्ताहिक रूप से किया जाएगा मैंने घर में लेके जाओ आप इस राशन को पूरा पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत छह माह से छह वर्ष के बीस दशमलव चौरासी लाख बच्चों तथा चार दशमलव छह नौ लाख गर्भवती व शिशुवती महिलाओं इस प्रकार पच्चीस दशमलव पांच तीन लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है यह दो हजार चौदह पंद्रह का ही आंकड़ा है विशेष करके अभी आंकड़ा नहीं आया पच्चीस दशमलव पांच तीन लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है किशोरी बालिकाओं का सशक्तिकरण संबंधित सबला योजना अंतर्गत पूरा पोषण आहार कार्यक्रम मानी किसके अंतर्गत सबला योजना के अंतर्गत भी किशोरी बालिकाओं को भी पूरा आहार पोषण दिया जा रहा है तो किशोरी बालिकाओं कि के सशक्तिकरण तो से संबंधित सबला योजना के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को पूरा पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है योजना का अंतर्गत ग्यारह से चौदह वर्ष आयु के शाला त्यागी मैंने जो स्कूल नहीं आते उन किशोरियों को ना जो ग्यारह से चौदह वर्ष के हैं किशोरी बालिकाओं तथा चौदह से अठारह वर्ग के सभी किशोरी बालिकाओं को जो है प्रतिदिन पांच रुपए के मान से पूरा पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है इस योजना में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू किया गया अर्थात पूरक पोषण आहार कार्यक्रम पर होने वाले वास्तविक व्यय का पचास प्रतिशत केंद्र शासन देगा और पचास प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा वर्तमान में सबला योजना राज्य के रायपुर सबला योजना है रायपुर जिसके अंतर्गत पूरा पोषण दिया जाता है रायपुर बस्तर रायगढ़ राजनांदगांव करियाबंद बलौदाबाजार कोंडागांव सूरजपुर बलरामपुर और सरगुजा जिला में लागू है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक और योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मुख्य मुख्य बातों के देखेंगे तो मातृ सहयोग योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पी एम एम वाई के नाम से जानी जाती है इस योजना के अंतर्गत सरकार और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिए छह हजार रुपए देखो प्रत्येक बच्चे के लिए नहीं मिलेगा पहले जन्म पर ही मिलेगा और भी जीवित जन्म के लिए बच्चे पर छह हजार रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है पहला क्वेश्चन बन गया कि भाई सब माताओं को दिया जाएगा कि केवल जो पहले जन्म दे रहे हैं उन माताओं को दिया जाएगा जीवित बच्चों पर दिया जाएगा ऐसे कुछ दिया जाए छ हजार रुपए प्रदान किया जाएगा कितना प्रदान किया था छह हजार रुपए प्रदान किया जाएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश के राज्यों जिलों में लागू किया जा रहा है इस योजना का उद्देश्य देश के गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है इस योजना में सभी आय वर्ग गर्भवती महिलाओं को पात्र बनाया गया एक चीज ऐसा नहीं केवल निचले वर्ग को सब आय वर्ग के महिलाओं को पात्र बनाया गया लेकिन लेकिन लास्ट में बताऊंगा जो सरकार में नौकरी शुदा महिलाएं जो नौकरी कर रही सरकारी नौकरी उनको पात्र नहीं बनाया गया ये भी बता देना चाहूंगा इस महिला योजना का लाभ देश के सभी जिलों में यह योजना एक जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट एक जनवरी 2017 से लागू मानी गई है कब से मानू गई एक जनवरी 2017 से लागू मानी गई है इसका मतलब एक जनवरी 2017 से पहले वाले का तो कोई चांस नहीं एक जनवरी 2017 के बाद का पूरा यहां पर चांस बनता उनको पैसा मिले प्रधानमंत्री योजना का उद्देश्य क्या है इस इस योजना का दो मुख्य उद्देश्य है। काम करने वाली महिलाओं को मजदूरी का नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण सुनिश्चित करना जो लेबर कुली है जो मजदूर है महिला वर्ग है जो चार महीने पांच महीने नहीं जा पाती बच्चे के जन्म देने के समय वहां पर काम में उनके मुआवजा देते हैं छह हजार कम से कम उनका भरपाई हो सके और दूसरा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नगदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधिक पोषण के प्रभाव को कम करना जो कुपोषण हो जाता है उनके प्रभाव को कम करना इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री मातृ वनना योजना के लिए पात्रता क्या होगी तो इसके लिए जो पात्र बनाया गया गर्भवती महिला जो उन्नीस वर्ष से अधिक हो अठारह वर्ष से कम होगा तो नहीं मिलेगा भाई उन्नीस वर्ष से अधिक हो तो वही वही इस योजना का लाभ उठा सकती है अठारह वर्ष से पहले तो पहले तो वैसे शादी नहीं होता बाल विभाग कैटेगरी में आ जाता वो तो अवेद है इस योजना उन गर्भवती महिलाओं के लिए जो एक जनवरी 2017 के बाद गर्भवती हुई है पीएम मात्र योजना की मुख्य बातें इंपॉर्टेंट है इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में नगद लाभ दिए प्रदान किया जाता है डायरेक्ट नगद लाभ आपको दिया जाएगा सीधे आपके बैंक खाते में जाएगा इस प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना के द्वारा पात्र गर्भवती महिलाओं को पहली किस्त में एक गर्भ के एक दिन के अंदर मैंने जब गर्भ धारण करती है आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 150 दिन के अंदर जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराएंगे बताऊंगा उसमें 150 दिन के अंदर आपको एक हजार रुपये मिल जाएगा दूसरी किस्त में दो हजार रुपए एक सौ अस्सी दिन के अंदर और तीसरी किस्त में दो हजार प्रसव के बाद बस शिशु के प्रथम टीकाकरण चक्र पूरा होने पर मिलते हैं इस प्रकार टोटल दो दो हजार चार हजार और एक पांच हजार और टोटल पांच हजार और एक हजार तब मिलेगा जब बच्चे का जन्म हॉस्पिटल हॉस्पिटल में होता है हॉस्पिटल में होता है या उसके अंदर तो तब एक हजार फिर दे दिया जाता है इस प्रकार टोटल छह हजार रुपए प्रदान किए जाते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ की बात कर लेते हैं इस योजना के गर्भवती महिलाओं और कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के, 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 दी दी के, के पहली किस्त एक हजार रुपए योजना का पंजीकरण जब गर्भावस्था का पंजीकरण कराएंगे तभी एक हजार रुपए आपको दे दी जाएगी दूसरी किस्त की बात किया जाए तो यदि लाभार्थी छह महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कर लेते तो दो हजार रुपए मिलेंगे और जब और जब बच्चे का जन्म पंजीकरण हो जाता है और बच्चे का बीसीजी ओपी और डीपीटी और हेपेटाइटिस बी सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है तो प्रधानमंत्री मातृ मातृवंदना योजना योजना पी एम एम बीवाई नि के गर्भवती महिलाओं और स्तनपन कराने वाली माताओं के लिए लागू नहीं होता यहां पर एक चीज और बता देता हूं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है निम्न श्रेणी की गर्भवती महिलाओं और स्तनपन कराने माताओं के लिए लागू नहीं होता पहला जो केंद्रीय राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रम के साथ रोजगार में जिनको गवर्नमेंट रोजगार मिला हुआ है। उन माताओं को नहीं मिल पाएगा और जो किसी अन्य योजना के कानून के साथ समान लाभ प्राप्त कर रही है उनको भी ये नहीं मिल पाएगा आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा वीडियो बाज करने के लिए धन्यवाद थैंक यू वेरी मच